अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 4 साल के बेबी की फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये फ़्रॉक बनाने के लिए जो बेबी पिंक वाला है वो मैं 1 मीटर ली थी, और डार्क पिंक वाला 1.5 मीटर के 1.5 मीटर ली थी। अब मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। फ़्रॉक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और पहनने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पे देखिए कपड़े को मैं पीसेज में कट कर ली हूँ, जिससे कि आप सबको बताना आसानी हो। यहाँ पे देखिए टॉप वाली पीस मैं अलग कर ली हूँ। ये देखिए ये सिंगल पीस है, ये बैक वाली पीस है। इसकी लंबाई 10 इंच है और इसकी चौड़ाई 14 इंच है। अब मैं इसे फोल्ड कर ली हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 पीस मैं ली हूँ, एक पिंक है बेबी और एक डार्क पिंक है। इसकी लंबाई भी 10 इंच है और चौड़ाई 14 इंच है। हमें फ्रंट वाली जो हम पेटी बनाएंगे वो 2 कलर में बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सभी को मैं फोल्ड करके बैक वाली के ऊपर रख ली हूँ। अब यहाँ से हम शोल्डर का माप लेंगे। शोल्डर का निशान मैं 5 इंच पे लगाऊंगी और आर्म होल का 5.5 इंच पे। हम यहाँ पे आस्तीन लगाएंगे, इसके लिए 1/2 इंच शोल्डर से आर्म होल ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे देखिए चेस्ट के लिए 7 इंच पे निशान लगाए हूँ और वेस्ट का 6.5 इंच पे। अभी निशान को हम मिला लेंगे। यहाँ से आर्म होल की गुलाई हम बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे गले की चौड़ाई में 2.5 इंच ली हूँ और 1/2 इंच का निशान लगा करके हम बैक गले की कटिंग करेंगे, और 2.5 इंच पे मैं फ्रंट गले के की गुलाई बनाऊंगी। अब यहाँ से 1/2 इंच में निशान लगा रही हूँ कंधे डाउन करने के लिए। देखिए सभी निशान मैं लगा ली हूँ। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जब तक मैं इसकी कटिंग करती हूँ, मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पर देखिए कटिंग कम्प्लीट हो चुकी थी। अब यहाँ से हम बैक वाली पीस निकालेंगे और फ्रंट गले की कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कटिंग कर ली हूँ। अब मैं ये आस्तीन के लिए 2 पीस ली हूँ। आस्तीन में भी हम एक बेबी पिंक लिए हैं और एक जो है कि डार्क पिंक। आस्तीन की लंबाई 8 इंच है और इसकी चौड़ाई 21 इंच है। अब इसे फोल्ड करके कपड़े को हम बराबर रखेंगे। ये नीचे से बॉटम वाला जो हिस्सा वहाँ से 4 इंच पर निशान लगा करके हम आर्म होल की गुलाई बना लें। आस्तीन का शेप बना करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम ऊपर से भी बारीक सा प्लेट डालेंगे और नीचे हम लास्टिक लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब ये बॉटम वाला हिस्सा है जो कि घेर वाला है। यहाँ पे देखिए ऊपर भी मैं 2 कलर का ली हूँ, जो लाइट पिंक है और डार्क पिंक है। अभी 2 पीस है जिसकी लंबाई 8.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 18 इंच है। और ये जो है कि सेकेंड वाला है, उसकी लंबाई भी 8.5 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है कि 32 इंच है। देखिए पिंक वाला हम पिंक के साथ में प्लेट्स बनाएंगे, और जो है कि डार्क पिंक वाला है उसके साथ में उसका प्लेट्स बनाएंगे। देखिए आगे की कटिंग हो चुकी थी। अब पीछे वाला ये जो है फ्रिल है, फ्रिल वाली पहली फ्रिल जो है कि 8 इंच 8.5 इंच है और इसकी लंबाई 32 इंच है, और दूसरी वाली लंबाई जो है कि 8.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 60 इंच है। पहली वाली से हम दूसरी वाली फ्रिल डबल रखेंगे। यहाँ पे देखिए कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं स्टिचिंग आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए घेर वाला हिस्सा मैं ली हूँ, डार्क पिंक वाला। इसके ऊपर हम बारीक बारीक सा प्लेट्स बना लेंगे। यहाँ पे पहले में प्लेट्स बनाने के बाद मैं दूसरी वाली लेयर में भी प्लेट्स बना ली हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सभी में प्लेट्स बना ली हूँ। अब हम इसे टॉप पार्ट में ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे देखिए टॉप पार्ट ली हूँ पिंक, डार्क पिंक वाला।
इसके ऊपर हम जो है कि पहली लेयर को अटैच करेंगे। हम यहाँ प्लेट्स को बराबर करते हुए इसे टॉप पार्ट में अटैच कर लेंगे। यहाँ पे अगर आपकी मशीन से प्लेट्स ना डले तो आप जो है कि सिलाई को बड़ा करके पहले सिलाई लगा लें, फिर धागे को घसीटते हुए इसके ऊपर प्लेट्स बना लें। देखिए पहली लेयर लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे दूसरी लेयर लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैं दोनों लेयर टॉप पार्ट में अटैच कर ली हूँ और ऐसे ही हम सेम पिंक वाला भी अटैच करेंगे। सेम ऐसी जैसे हम फ्रंट वाली बनाए वैसे हम बैक वाली भी लगा लेंगे, बैक वाली भी बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सब में मैं फ्री लगा ली थी, अब ये 2 इंच की मैं पट्टी ली हूँ, 3 इंच की। इसे जो है कि पट्टी को हम उल्टी साइड रख करके हम इसे सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं सिलाई लगा ली हूँ, अब इसे आगे की साइड पलट करके इसे फोल्ड करते हुए जो हम सिलाई लगाए थे हम उसी के ऊपर रख करके सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ इसे हम कट करके निकाल लेंगे। अब देखिए पिंक वाले पे मैं पिंक पट्टी लगा रही हूँ, इसे हम नीचे से लगाएंगे और इसे भी पीछे की साइड पट्टी रखेंगे, आगे की साइड इसे हम फोल्ड करके पलटते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे दोनों में तैयार कर ली हूँ और इसी देखिए पीछे वाला भी तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं शोल्डर ज्वाइंट कर ली हूँ, अब इसे आगे एक साइड पलट करके बराबर रखते हुए हम यहाँ से कॉलर लगाने के लिए हम माप ले लेंगे। देखिए मैं यहाँ से जहाँ बटन पट्टी के पास से कॉलर का मैं माप ले रही हूँ। ये गले की पूरी लंबाई 16.5 इंच, यहाँ पे देखिए मैं एक कपड़ा ली हूँ जिसकी लंबाई 5 इंच है और इसकी चौड़ाई 17 इंच है। अब यहाँ हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, उसके बाद ये 16.5 का आधा करने के बाद 7.25 आ रहा है, मैं वहाँ पे 7.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। हम उसी जो निशान हम लगाएं हम उसी के ऊपर से ही सिलाई चलाएंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हल्का सा मैं उसे कट कर दूंगी और नीचे से 1/2 इंच के करीब मैं कट करूँगी। तो अब देखिए इसे हम खोल करके फोल्ड करेंगे और ये थोड़ा सा कपड़ा ऊपर मोड़ते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे और इसे अब हम पलट लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं पलट ली हूँ, अब यहाँ पे हम टॉप लेंगे और ये गले के जो हम कपड़ा फोल्ड किए थे उसे हम ऊपर रखेंगे और जो बगैर फोल्ड था उसको नीचे रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हम कॉलर को पीछे साइड से ही सिलाई लगाएंगे रख करके। यहाँ पे सिलाई को पक्का करते हुए हम धागे को कट कर लेंगे और हल्का हल्का कट का निशान लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कट का निशान लगा ली हूँ, अब इसे यहाँ बहुत ही सफाई से फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हम यहाँ कपड़े को ज़रा भी खींचेंगे नहीं, एकदम बहुत ही हल्के हाथ से इसे फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे।
देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ले, कलर तैयार हो चुकी है। देखिए आस्तीन वाली पीस है, इसे मैं मशीन से ही ऊपर की साइड बारीक बारीक सा प्लेट्स बना लूँगी। यहाँ पे देखिए प्लेट्स बना ली हूँ दोनों आस्तीन में। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, नीचे बॉटम वाला हिस्सा जो है। यहाँ पे देखिए नीचे बॉटम वाला हिस्सा मैं फोल्ड कर ली हूँ। यहाँ पे मैं 9 इंच की लास्टिक ली हूँ, इसे हम पिन से हम जो फोल्ड किए थे वहाँ पे हम डाल लेंगे लास्टिक को। यहाँ देखिए बराबर करते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा करके पक्का कर लूँगी। अब यहाँ पे पिन निकालने के बाद भी मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। देखिए यहाँ पे दोनों आस्तीन तैयार हो गई हैं। अब हम इसे टॉप पार्ट में ज्वाइंट कर लेंगे। पिंक वाली जो है कि बेबी पिंक वाली है, हम उसे पिंक वाली साइड ज्वाइंट करेंगे। देखिए आस्तीन ज्वाइंट कर ली हूँ और ऐसे में दूसरी साइड भी आस्तीन ज्वाइंट कर लूँगी। यहाँ पे देखिए दोनों साइड में आस्तीन ज्वाइंट कर ली हूँ। अब यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए फिटिंग की सिलाई लगा ली हूँ, ऐसे में दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। देखिए यहाँ दोनों साइड में सिलाई लगा ली हूँ। अब इसे आगे की साइड पलट लूँगी और नीचे जो इसका बॉटम वाला हिस्सा है इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बॉटम वाला हिस्सा मैं फोल्ड कर ली हूँ और यहाँ पे देखिए काज करके बटन भी लगा ली हूँ और हमारा फ्रॉक तैयार हो चुका है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अगर आपको मेरा आज का भी ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।